नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल में रवि कोचिंग। दोस्तों आज हम रीजनिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है लेटर सीरीज आज सीखेंगे किस तरह वो चीज हल होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो लेटर सीरीज से संबंधित है आपको दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ए से लेकर जेड तक जो भी हमारे जो वर्ण है जो लेटर है उनका आपको ऑर्डर सही ऑर्डर याद होना चाहिए। मैंने इसको उसका अगर हम बोले तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू दोस्तों अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम में आप बहुत ही कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लेस वैल्यू मतलब ये देखिए आप जो क्रम है वन से लेकर जेड तक का 26 जो लेटर है उस क्रम को आपको याद रखना है दोस्तों। तो अगर वो क्रम आप याद रखते हैं तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको चुटकियों में हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों किस तरह स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों जो सही विकल्प है उसको चुनकर ये जो क्रम है इस जो क्रम को पूरा करना है। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे सामने है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न आपको बन रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें जो एक पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न आपको जो बन रहा है इसको आपको फॉलो करना है। देखिए ए और आई और बी, देखिए ए से बी की दूरी कितनी है दोस्तों। ए से बी की दूरी है महज प्लस वन की दूरी है दोस्तों। ठीक उसी तरह बी से जे नहीं, बी के बाद देखिए सी का एक प्लस वन का दूरी बन रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह का पैटर्न आपको खोजना है दोस्तों। ठीक उसी तरह अगर नीचे चले जाए आप तो आई से लेकर जे तक प्लस वन की दूरी बन रही है। देखिए आप आई से लेकर जे तक की प्लस वन की दूरी बन रही है। ठीक उसी तरह जे से लेकर अगर आगे बढ़े आप, जे से लेकर अगर आगे बढ़े तो जे से आई जे के बाद क्या आता है के, तो देखिए यहाँ पर भी प्लस वन की दूरी बन रही है दोस्तों। अब उसी तरह ऊपर के हिस्से में अगर चले आए तो सी से देखिए दोस्तों अगर प्लस वन की तरफ आगे बढ़ते हैं सी के बाद आपको क्या आता है रिसीव में, हाँ जहाँ सही दोस्तों डी, प्लस वन की दूरी में डी आता है। उसी तरह दोस्तों नीचे वाले पोर्शन में के बाद क्या आएगा, हाँ सही सोचा आपने, के बाद होगा एल। तो देखिए दोस्तों काफी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन हल हो सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा डी के। देखिए दोस्तों डी एल होगा हमारा सही ऑप्शन। प्लस वन दूरी पे क्या है के बाद एल, तो यहाँ पर मेरा डी एल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों काफी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन हल हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ए ए पी सी क्यू ई आर जी, ऑप्शन दिया हुआ है एस आई एच आई आई एस टी जे। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हल करेंगे हम लोग। सिर्फ ध्यान में रखना है जो चीज आपको, वो चीज ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को ए पी सी क्यू ई आर जी, तो ये है ना क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ए पी सी क्यू आर देख लीजिए दोस्तों, ध्यान रखना जरूरी है ए पी सी क्यू ई आर जी। चलिए दोस्तों अब देखिए पहले वाले की तरह पैटर्न खोजिए दोस्तों। देखिए ए से सी के बीच में पैटर्न बन रहा है दोस्तों, हाँ बन रहा है। ए से सी के बीच में पैटर्न क्या बन रहा है दोस्तों, ए कितने बार में है देखिए बी को छोड़िए सी, तो मतलब प्लस टू के दूरी पर आ रहा है दोस्तों। प्लस टू के दूरी पर सी, सी के बाद क्यू नहीं आ रहा है दोस्तों, सी के बाद ई आ रहा है। देखो देखिए दोस्तों वहां पर भी प्लस टू की दूरी है, देखिए सी के बाद डी ई एक दो प्लस दूरी। ठीक उसी तरह दोस्तों ई के बाद जी आ रहा है दोस्तों, वहां पर भी प्लस टू की दूरी है। ठीक ऊपर वाले हिस्से में दोस्तों देखिए पी के बाद क्यू, यहां पर दोस्तों सिर्फ प्लस वन की दूरी है, प्लस वन क्यू के बाद आर सिर्फ प्लस वन। तो देखिए दोस्तों पैटर्न बन गया, नीचे वाला प्लस टू कर आगे बढ़ रहा है, आगे तरफ बढ़ रहा है, और ऊपर वाले हिस्से में देखिए देखो पी क्यू ये प्लस वन कर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर भी जी के बाद प्लस टू की तरफ आगे बढ़िए दोस्तों, क्या मिल रहा है आपको जी के बाद, देखिए दोस्तों बन रहा है हमारा जी के बाद एच आई, आई बन रहा है दोस्तों, आई बन रहा है, तो मेरा आई पहला बना। ठीक उसी तरह आर के बाद क्या बनेगा दोस्तों, आर के बाद दोस्तों प्लस वन की दूरी पर एस। तो ये हमारा क्वेश्चन
हल हो गया दोस्तों, सॉल्यूशन है हमारा क्या आईएएस। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों किस तरह हम लोग इस रीजनिंग के सेकंड टाइप क्वेश्चन को हल किए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है पैटर्न खोजना है, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अगर आप पैटर्न समझ में आ जाए आपको तो इस सारे क्वेश्चन हल करना चुटकियों का खेल है दोस्तों। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह थोड़ा डिफरेंट होने वाला है दोस्तों, यहां पर थ्री लेटर्स करके हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसको भी हम लोग सीखेंगे। F J W H I U J H S L F Q L G Q K G R K F R। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों और कुछ नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो तीन करके लेटर जो अरेंजमेंट्स है इनका जो फर्स्ट लेटर है आप मार्क कर लीजिए, फर्स्ट लेटर को इस क्रम में लिखिए दोस्तों, डी एफ एच जे, ठीक है। उसी तरह इसका जो सेकेंड लेटर है दोस्तों, सेकेंड लेटर ये वाला, उसी को इस तरह लिखिए, के जे आई एच। देखिए मैंने फर्स्ट लिख लिया, सेकेंड लिख लिया, अब थर्ड पार्टी को लिखिए, मार्क कर लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। देखिए दोस्तों आपको पहली बार थोड़ा ध्यान से समझना है दोस्तों, अगर पहला बार आप समझ ले तो आपके लिए महज चुटकियों का खेल हो जाएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हल करना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसको करने के बाद दोस्तों चले ये आप पहले वाले में, अब इसको आपको पैटर्न खोजना है दोस्तों। ये जो सीरीज मेरा बना डी एफ एच जे वन लेटर का सीरीज बन गया दोस्तों, अब इस वन लेटर वाले सीरीज को आपको हल करने के लिए आपको पैटर्न खोजना है दोस्तों। डी के साथ एफ का पैटर्न खोजिए दोस्तों, डी के साथ एफ का, देखिए दोस्तों डी ई एफ एक छोड़कर प्लस टू का गैपिंग हो रहा है दोस्तों, एफ के बाद जी एच एक छोड़कर प्लस टू का, इस यहाँ पर भी प्लस टू का, तो मेरा प्लस टू का सीरीज बन गया। तो जे के बाद क्या होगा दोस्तों, प्लस टू अगर यह किया जाए तो के एल, एल बन रहा है दोस्तों, मेरा पहला हो गया एल। तो देखिए दोस्तों एल एल से ऑप्शन दिख रहा है मुझको, तो चलिए दोस्तों काफी करीब हम पहुंच गए हैं अपने आंसर के। दूसरा वाला दोस्तों देखिए के साथ आई को, देखिए अगर दोस्तों अगर आपको रिवर्स में देखिएगा एच आई जे के, एच आई जे के, देखिए दोस्तों अगर रिवर्स में देखिएगा तो देखिए एच आई जे के। तो चलिए दोस्तों यहां से माइनस वन की तरफ रिवर्स में चलिए लौटिए माइनस वन की तरफ, यहां पर भी अगर माइनस वन किया जाए तो कहां पहुंचेंगे दोस्तों हम लोग, जी के पास पहुंचेंगे, जी माइनस वन की दूरी पे देखिए जी पर हम पहुंचते, देखिए तो एच जी माइनस वन की दूरी, ठीक। उसी तरह दोस्तों थर्ड वाले जो हमारा जो सीरीज है देखिए वाई के बाद डब्ल्यू देखिए वाई के बाद डब्ल्यू माइनस टू के रिवर्स में आएगा दोस्तों, माइनस टू की, तो चलिए दोस्तों माइनस टू, अब डब्ल्यू भी डब्ल्यू के बाद माइनस टू मतलब यू, फिर माइनस टू मतलब एस, एस के बाद अगर माइनस टू अगर जाया जाए तो क्या बन रहा है दोस्तों क्यूब। देखिए दोस्तों काफी आसानी से हल हो गया एल जी क्यू। पहले दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको समझने के लिए, आपको दिखाने के लिए दोस्तों इतना पापड़ बेलना पड़ा, अगर आप ये सब चीज अगर समझ जाए तो आपको मिनटों चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन, एल जी क्यू। तो ये सही आंसर, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, आप लोग का जो प्यार है मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।